Thank you हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में रही है। वीडियो में में अंत तक बने रहिएगा। इस 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 के 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 अंदर हम फिल्म 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक एक रिव्यू रिव्यू छोटा सा देंगे और और ऊपर डीप चर्चा करेंगे, करेंगे एनालिसिस आपको बताएंगे कि अनिल रबी अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी घोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डैनी डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस की क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहां पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म को जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फा खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक शौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल अनिल रवि शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, 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 युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गोंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये। इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो अगर आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फा खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक शौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंशाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली

शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी घोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कलाकार मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक, एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आईएमडीबी की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आईएमडीबी पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टारर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देख के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके आ, काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डेनजोगम्पा को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टारर फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म को अनिल अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी, डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म की अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक, एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को चौदह दिसंबर दो को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टारर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन झांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल रबी अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ इक्यानवे मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को चौदह दिसंबर दो को क्रिसमस किस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके आ, काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बीएन शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन जेंगन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल रवि अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी गप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक, एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहां पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फा खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल रवि अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या खोसला कुमार डेनी खोसला कुमार डैनी गुन्जप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगपा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो दो मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस की क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविज़न के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविज़न के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डेनजोगम्पा को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टारर फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंशाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायाकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म को अनिल अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगपा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टारर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आपको प्शन के साथ ये फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविज़न के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो अगर आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बीएन शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन हैंकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ इक्यानवे मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को चौदह दिसंबर दो को क्रिसमस किस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहां पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके आ, काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक शौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल अनिल रवि शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुन्जप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये। इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ इक्यानवे मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देख के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहां पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर ज़ाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल अनिल रवि शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, 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 युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डेनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो दो मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस की क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके आ, काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डेनजोगम्पा को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टारर फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायाकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म को अनिल अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन्स की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये, इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगपा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छाइंकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक, एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को चौदह दिसंबर दो को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविज़न के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविज़न के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो अगर आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज़ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल रवि अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गोंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये। इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ इक्यानवे मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है YouTube के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहां पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक शौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंशाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है यह सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साहना उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू देंगे और इस फिल्म के ऊपर एक डीप में चर्चा करेंगे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़िल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म को अनिल अनिल रवि शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, 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 युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी खोसला कुमार डैनी गोंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये। इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी डैनजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छायांकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनुमलिक ने और यह फिल्म रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक सौ इक्यानवे मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को 14 दिसंबर 2004 को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टार फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके आ, काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या एक, एक उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अशफाक खान के रूप में आप डैनी डेनजोगम्पा को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर कि इस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टार फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट ज़रा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर बिक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और बिक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को पसंद देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविजन चैनल पर ऑफिशियली तरीके से देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैन हैं और देशभक्ति वाली फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको नहीं पता होंगे वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन उत्पादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या उत्साह उत्साह रही और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा यह भी बताएंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में है। वीडियो में में अंत तक बने रहिएगा। इस 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 के 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 अंदर हम फिल्म 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक एक रिव्यू रिव्यू छोटा सा देंगे और और ऊपर डीप चर्चा करेंगे, करेंगे एनालिसिस आपको बताएंगे कि अनिल रबी अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित किया गया था और यह फिल्म 2004 की एक भारतीय युद्ध अम, युद्ध फिल्म थी इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दोहरी भूमिका में हैं और दिव्या घोसला कुमार डैनी घोसला कुमार डैनी गुंजप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ संदली सिन्हा नगमा और आरती छबरिया जैसे कलाकार ने काम किया है बात करें इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अनिल शर्मा ने जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों को डायरेक्ट किया था जैसे कि गदर और जीनियस इत्यादि मूवियों की इन्होंने ऑलरेडी निर्देशन किया हुआ है फिल्म की पटकथा लिखी है शक्तिमान तलवार ने और फिल्म की कहानी भी शक्तिमान तलवार की ही है फिल्म को उत्पादित किया गया है अनिल शर्मा के द्वारा और इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी इस फिल्म के अंदर मल्टी कला मल्टी स्टारर मूवी थी ये इस फिल्म के अंदर श्री अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार बॉबी देओल दिव्या खोसला कुमार संदिल संदली सिन्हा नगमा डेनी, डेंजोगप्पा और आशुतोष राणा के साथ साथ आरती छाबरिया ने काम किया है फिल्म को छाइंकित किया है कबीर लाल ने और इस फिल्म को संपादित किया है बल्लू सलूजा ने फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और यह फिल्म रिलीज़ की गई थी 24 दिसंबर 2004 को और इस फिल्म की कार्यक्रम अवधि एक मिनट की थी और इस फिल्म ने इस फिल्म को इंडिया के अंदर हिंदी भाषा में रिलीज़ किया गया फिल्म के अब बजट के बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 200 मिलियन का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक, एक मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और यह फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों को चौदह दिसंबर दो को क्रिसमस क्रिसमस के सप्ताहांत के में दुनिया भर में एक साथ रिलीज़ किया गया फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने इस फिल्म को जो रेटिंग दिया है वो भी हम आपको बता दें और फिल्म आपको फ्री में कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं तो दोस्तों इस फिल्म को 4.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग आ, एवरेज रेटिंग आई की तरफ से मिली है तो बता दें कि यह फिल्म की जो रेटिंग है अभी घटी हुई है क्योंकि इस फिल्म की जो रेटिंग है वो आई पर कुछ ज़्यादा ही थी फिलहाल इस फिल्म की रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 की हो गई है और इस फिल्म को देखने के बाद जो यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है तो 80 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है और इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप मल्टी स्टारर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर गदर जैसे देशभक्ति फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो बता दें कि इस फिल्म के जो ओ राइट्स हैं वो जी के पास हैं तो आप इस फिल्म को जी के ऊपर बिल्कुल वन क्लिक में देखने के लिए मिल सकता है उसके अलावा और भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ यह फिल्म देखने के लिए मिलने वाला है अब बात करें इस फिल्म के टेलीविजन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो टेलीविजन के जी नेटवर्क के पास है तो जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर अक्सर होता रहता है तो आप भी चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस फिल्म का प्रीमियर होता रहता है तो उस मौके पर आप इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात करें तो फिल्म का जो प्रीमियर है यूट्यूब के ऊपर अगर होगा तो जी मूवीज़ के ऊपर होगा तो अगर जी मूवीज़ के ऊपर इस फिल्म को जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये फिल्मों को ये फिल्मों को आप आसानी से वहाँ पर देख पाएंगे अगर संगीत की बात करें तो संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था जबकि गीत समीर ने लिखे थे इस फिल्म के एल्बम के अंदर टोटल नौ गाने रखे गए थे और इसमें से दो तीन गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था फिल्म जब थिएटर्स के अंदर आई तो लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद जो रेटिंग दिया है क्रिटिक्स ने उसके हिसाब से अगर बात करें तो तरन आदर्श ने इस फिल्म को फाइव में से दो स्टार की रेटिंग दी और कहा कि उन, आ, कुल मिलाकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों उम्मीदों उम्मीदों से बहुत नीचे है बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली जुली समीक्षा प्राप्त मिलेगी और सही में इस फिल्म को मिली जुली समीक्षा प्राप्त हुई और जबकि आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम वर्ग खासकर पारिवारिक दर्शक इसे ठंडा ही रखेंगे रेडिफ के पैटसी पैटसी एन ने लिखा कि फिल्म का संगीत औसत है दिव्या खोसला के पास कुछ खास नहीं है उनका ऐसा कहना था और भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऊपर नीचे रेटिंग दिए और पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या खोसला कुमार को नॉमिनेट किया गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनाम नहीं जीत यानी कि उनको पुरस्कार नहीं मिल पाया अब बात करें इस फिल्म के अंदर कौन कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर मेजर जनरल अमरजीत सिंह का रोल किया है और अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर मेजर राजीव सिंह का रोल कर रहे हैं जबकि बॉबी देओल दोहरी भूमिका में इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एक उन्होंने एक एक कैरेक्टर उनके काम कर करें कृणाल सिंह का और दूसरा कैरेक्टर है वो लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह का बचपन के कुराल के रूप में उत्कर्ष शर्मा और विक्रमजीत के रूप में आप क्या उनका छोटा सा कैमियो देख सकते हैं दिव्या खोसला कुमार श्वेता संभाली सिंह का रोल करते हुए नजर आई हैं जबकि संदली सिन्हा कैप्टन डॉक्टर साक्षी का रोल कर रही हैं नगमा ने इस फिल्म के अंदर आरती सिंह का रोल किया है कैप्टन त्रिलोक के रूप में आप कपिल शर्मा को देख पाएंगे कर्नल अश्फाक खान के रूप में आप डैनी डैनजोंगम्पा देन को देख पाएंगे और सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा ने काम किया है गोविंद नामदेव मकबूल बट का काम कर रहे हैं वहीं पे आरती छाबड़िया त्रिलोक की पत्नी का रोल कर रही हैं सुबेदार अब्दुल के रूप में आप विश्वजीत प्रधान को देख पाएंगे विवेक सौक को आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं सुरेंद्र पाल को देख पाएंगे आरिफ जकारिया को देख पाएंगे राजेश विवेक को देख पाएंगे और बी शर्मा पुलिस अधिकारी का रोल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्लॉट और कहानी के ऊपर किस फिल्म के प्लॉट पे कहानी को कैसे दिखाया गया है तो फिल्म जाहिर जाहिर सी बात है कि युद्ध वाली फिल्म है मल्टी स्टारर फिल्म है तो कहानी लगभग सेम है लेकिन प्लॉट जरा चेंज है यहाँ पर ग्राउंड का उपयोग न करके समुद्री यानी समुद्री जहाज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ दिखाया जाता है कि मेजर जनरल अमरजीत सिंह भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं उनके बेटे विक्रमजीत सिंह उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज़ और भारतीय सेना सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसका कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पंडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है लेकिन इससे पहले कि वह बहादुरी से फंसते हुए सैन्य कर्मचारियों को वो बचा पाते इससे पहले वो डूब जाती है अब सालों बाद कहानी दिखाई जाती है कि विक्रमजीत का बेटा कुणाल जीत सेना में कैप्टन के तौर पर भर्ती होता है लेकिन उसमें अपने पिता और दादी की तरह देश के देश की निस्वार्थ सेवा करने की मूल नहीं है और बस वह कुछ सालों के लिए सेना में नौकरी करना चाहता है और फिर अमेरिका में जाकर बस जाना चाहता है व्यवसाय चलाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है यह सब करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है वह श्वेता भंसाली से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में ही रहने का फैसला करता है पदक हासिल करने के लिए वह वीरता का नाटक करता है और लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं अनुशासित और दंडित घायल और विक्रम कुणाल जीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है केवल यह पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है जिसे मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध लंबा था और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं और आपके दिल को जीत सकती हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं यानी कि आप युद्ध वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं सर्वाइविंग मूवी देखना पसंद करते हैं मल्टी स्टारर मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म कंसीडर कर सकते हैं फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी तो दोस्तों आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी